अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा शफी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बढ़िया रेसिपी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मतलब मेरे ब्लॉग आप देख रहे थे, बोर भी हो गए शायद आप देख रहे थे। तबीयत ख़राब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत ठीक है, मतलब मैं अपने पैरों पर खड़े हो पा रही हूँ, वरना मैं बगैर किसी के सहारे खड़े नहीं हो पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बिना सहारे के आज खड़ी हुई और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है पहले से, यानी मैं अपने घर के लिए अपने घर वालों के लिए कुछ बना सकूँ, किसी के लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि आधी तबीयत तो मेरी मैं पड़े पड़े यही सोच रही थी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, घर वालों के लिए कुछ बना नहीं पा रही अच्छे से। तो आधी तबीयत तो मेरी वो सोच सोच के ख़राब कर ली थी मैं। तो यहाँ पर जो है ना, अल्लाह ने शिफा दी है और आज देखिए हुई है प्यारी सी सुबह। रोज़ ही प्यारी सी सुबह होती है, मगर हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, हमारी मर्ज़ी से नहीं होती। अगर तकलीफ भी देता है तो राहत भी देने वाला वही है बेशक। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही हूँ चाय, रीजा मुजम्मिल और इनके पापा के लिए भी बना दे रही हूँ साथ में। और यहाँ पे देखिए ये है साबुदाना। एक महीने से मैंने कुछ भी अच्छा इन लोगों को बना के नहीं दी थी। तो सबसे पहले मैंने मुजम्मिल के लिए भिगाया था, सुबह उठी थी ना, तो साबुदाना खिचड़ी बनाऊंगी या साबुदाने के बड़े बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना, कल भिगा के रखी थी अंकुरित मोठ मूंग जो होती है ना वो, तो ये दे दी हूँ अभी नाश्ते में। और आप खाना, आपकी तबीयत ठीक है ना मूड। यहाँ पे जो है ना, रिजा के फेवरेट बनेंगे आलू के पराठे। तो आलू बहुत गुस्से में है, अभी बहुत गर्म है। यहाँ पे देखिए लौकी की सब्जी बनेगी दोपहर के लिए, और ये शाम में इंशाल्लाह अगर मैं अच्छी रहूँ तो ये भिगा के रखी हूँ मैंने डोसे के लिए। तो डोसे में जो है ना, 3 कटोरी चावल ली हूँ मैंने, 1 कटोरी उड़द की दाल ली और 1 मुट्ठी डाला है इसमें चने की दाल। तो ये मैंने भिगा दी हूँ। इसका पेस्ट अगर हमको अच्छा नहीं लगे ना, मुझे अल्लाह ना करे कभी तबीयत ठीक ना लगे, तो मैं फ्रिज में भी रख दूंगी। तो डोसे का पेस्ट ऐसा है कि फ्रिज में भी रख दी तो खराब नहीं होता। याद रखना है कि जर्मन के बर्तन में नहीं रखना है, एल्यूमिनियम के, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में रखे। जब आप पेस्ट भी बनाए ना इसका, तो स्टील या प्लास्टिक में रखे, जर्मन में नहीं रखना है। तो इस तरह से सुबह की हुई है शुरुआत चाय से, है ना। और मुजम्मिल की देखती हूँ क्या बनाना है, सबका अलग अलग है। आज मुजम्मिल की छुट्टी है और आने वाले ब्लॉग को देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग आने वाला है, बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ आने वाली है उसमें आप लोगों के लिए। तो ब्लॉग में बने रहना है आपको, इसके बाद वाले ब्लॉग में आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। गुड न्यूज़ जो है वो मेरे, आपके लिए तो पता नहीं सुनने के बाद क्या है, मगर मेरे लिए तो बोलते तपस्या वो है, मेरे लिए तो दुआ थी अल्लाह से, मेरे लिए बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी और आप लोगों के लिए भी। तो अभी करते हैं ये सब सारे काम और उसके बाद क्या होता है वो सब कंटिन्यू मैं आपको दिखाते रहूंगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। चाय को खोल लेती ना, मलाई हट जाएगी। अरे मैं ले लेता था ना आके, ले ले चाय ले। और रिजा ने खाया अपना फ्रूट? हाँ ये जल्दी खाओ, खत्म नहीं करने के ना बहुत मार पड़ेगी रिजा का। यहाँ पर ना रिजा का मन कर रहा था कि पराठा बना दो, फिर रिजा ने देखे कि इसमें रोटियाँ बची है रात की, तो मम्मी बोले रोटी फ्राई कर दो, तो चाय से तली हुई रोटी खा लेंगे। ये लोग को देसी घी पसंद नहीं है, देसी घी की स्मेल आती है ना, तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी कभी पराठे के अंदर लगा देती हूँ या कोई चीज़ ऐसी बना देती हूँ जिसमें पता नहीं चले, देसी घी खा नहीं करते दोनों भी। तो यहाँ पर लेके रिजा के लिए बना दी फ्राई रोटी। तो यहाँ पर बन गई है मेरी बढ़िया सी अंकुरित मोठ, बगैर ऑयल की है, बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया है, बारीक कटा हुआ प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है, नींबू अभी है नहीं, पर नींबू डाल के इनको, तो नींबू के बिना होता ही नहीं इनका। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाई हूँ। मुजम्मिल और इनको जाना है बाहर कुछ काम से, तो मैंने बोली ये खा लो और थोड़ी सी चाय से टोस्ट वगैरह कुछ चाहिए तो वो ले लो। जल्दी सी होती है ये, रोज़ सुबह का नाश्ते में खाए ना तो अच्छा, 1 कटोरी अगर खा लिए। हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है खाने की और आपको भी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा खाने की जरूरत हूँ, मैं जो बीमार पड़ती हूँ मेरी, नहीं अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मुझे लकड़ी लेके कोई जरूरत तो नहीं बाकी कुछ करने की, क्या खाए चलो खा लो। चलो यहाँ पे बन गए हैं रिजा के आलू के पराठे। और देखिए मैं इसे जो है ना इस तरह से हमेशा की तरह पिज्जा कटर से या छुरी से या जो भी चीज़ आपके पास है ऐसी जिससे कि आप अच्छे से इसे काट सकते हैं ना, आप उससे काट लीजिए। बच्चों को खाने में आसानी होती है और थोड़ा सा गिजगिजा सा नरम नरम सा हो जाता है ना ये टिफिन में, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। अभी मैं इसे ना फैन में रखूंगी, थोड़ा सा अच्छा ठंडा हो जाएगा, फिर टिफिन पैक करूंगी।
तो इस तरह से बना है आज का टिफिन। और रीजा को जो है ना बड़ा रोना आ गया कि मम्मी आप किचन में आए ना तो ही आज अच्छा लग रहा है। तो रीजा और मुजम्मिल को बड़ा गले लग के आज रोना होना आ गया है। तो यहाँ पर देखिए रीजा और मुजम्मिल जो है ना, रीजा के कॉलेज में मुजम्मिल आया साथ में अपने पापा के, क्योंकि मुजम्मिल को ना कुछ अपना ट्रीटमेंट करवाना था। रीजा का जो कॉलेज है, कॉलेज प्लस हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और साथ में जो है ना प्रैक्टिस भी होती है। तो मुजम्मिल को अपना कुछ चेकअप कराना था तो मुजम्मिल आया है यहाँ पर। यहाँ पर ना फ्रेंड्स देखिए, कल के सूखे हुए कपड़े थे तो मैंने कहा उठा के ले जा लेती हूँ। वैसे तो रीजा ने बोले थे कि बिल्कुल कुछ भी करना नहीं मम्मी, मैं आके कर लूँगी, बट दिल का हम मानता है ना हम माँ का। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे से उठाती हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि पिछला व्लॉग मेरा देख के ना कुछ कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड बराबर ध्यान रखते हैं, ले जाते हैं, जहाँ उनको टाइम होता है ना तो करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो मुजम्मिल मैं हर जगह मुजम्मिल मैं ही जाते हैं हम दोनों साथ में, या कभी रीजा के साथ। तो मुजम्मिल जो है ना साथ साथ में मुझे डांट भी लगा रहे हैं, यहाँ कपड़े उठा रही हूँ ना कि मम्मी अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दो। बट छोड़िए, ये जो है ना मुझे बताना ये था कि लोगों को बोलने के पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। हस्बैंड की तो जिम्मेदारी ही होती है ना, फ़र्ज़ है, और हमारा भी फ़र्ज़ है उनका घर संभालना, उनके लिए चीज़ें करना। उनको भी पता है कि अगर वक्त पड़े ना, अगर 50 लोग भी कोई घर में आ जाए तो ये पीछे नहीं हटती है। हर वक्त आधी रात में भी अगर मुझे उठा के बोले ना कि मेहमान आए, उनके लिए ऐसा करना है, इसके लिए ऐसा करना है, यहाँ जाना है, तो मैं हर वक्त तैयार होती हूँ। 50 मेहमान भी आ जाना तो मैंने कभी ऐसा बुरा नहीं माना कि अरे मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है ऐसा वैसा, मैं बिल्कुल तैयार रहती हूँ। और मैंने किया भी बहुत है, बहुत किया है मैंने माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बदले में वो मेरे लिए कर रहे हैं, तो ऐसी बातें बोलने के पहले ना सोचना चाहिए लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे। और कल देखिए मैंने डोसे के लिए भिगा के रखा था ना दाल चावल वगैरह, वो मैंने रात में पीसा था। और यहाँ पे बनाया है चटनी, ये दही से और वो होता है ना इसमें नारियल और दलिया, तो वो वाली चटनी बच्चों को बहुत पसंद है। तो सांभर नहीं दूंगी डब्बे में, मैंने सांभर नहीं बनाई थी, अभी लेट हो रहा था मुझे, तो जितना मुझसे हुआ ना वो मैंने बना लिया है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से डोसे बनाया है और साथ में दिया है चटनी आलू का भुरता। तो ये बन गया है बढ़िया सा टिफ़िन। और जब भी आपको कभी ऐसा देना हो ना जल्दी में, तो डोसे के साथ भुरता भी अच्छा लगता है और बच्चे खा भी लेते हैं आलू वाली चीज़ें। तो यहाँ मैंने बना दिया, चटनी बहुत पसंद है ये लोग को मेरी, तो चटनी मैंने ज़्यादा बना के रख दी हूँ क्योंकि मुजम्मिल को बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने कहा साबुदाने के बड़े के साथ भी मैं यही चटनी खाने वाला हूँ। तो यहाँ बन गया है टिफ़िन और रिजा हो रहे तैयार, मुजम्मिल हो रहे तैयार। अरे चाय की पत्ती ना मुझे चेंज करवाना है, अच्छी नहीं थी ये, इसका टेस्ट अच्छा नहीं था। और इन लोग के जाने के बाद ना सब्जी वगैरह काटूंगी, अभी टिफिन का काम कर लेते हैं। बस आपका शुरू हो गया ना, थोड़ा आराम कर लो अभी। सोफे के कवर, दीवान सेट, पर्दे, कर्टन्स जो है ना मैं इसी में रखती हूँ, इस तरह से आप देखो। दीवान का जो बॉक्स है वैसे भी खाली होता है, तो इसमें हमने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कबर्ड नहीं है। वहाँ शोकेस में जो है ना तो इनके पापा का ही सामान होता है, स्टूडियो का कुछ ना कुछ ला के उसमें पता नहीं क्या क्या क्या, क्या भरते हैं। तो अभी जो है ना ईद आने वाली है, ईद मिला दूँ अभी, ईदों की ईद, तो बहुत ज़्यादा तो मैं कर्टन्स, सोफे के कवर, कारपेट ये नहीं धो सकती क्योंकि ताकत ही नहीं मेरे अंदर धोने की। और फिर भी मेरी कोशिश थी कि सोफे के कवर मशीन में डाल दूँ, मगर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट है रिजर्व मुजम्मिल की दोनों ने बात नहीं करेंगे अगर आपने ये काम किए तो। यहाँ पे जो है ना सोची कि अरे दीवान की चादर बदल देती है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बेडशीट भी जो है ना वो सारी निकाल ली थी कल, तो मशीन में रिजा को बोली थी डाल दो, रिजा मुजम्मिल ने पानी वानी लगा के चेंज कर दिए थे। हाँ। तो अभी जो है ना मैंने बच्चों को ये बोला सिर्फ दीवान की चादर चेंज कर देते हैं और रिजा से मशीन में डाल देंगे।
बेडशीट चेंज कर दी हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स घर में जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है आपसे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा बस धूल वूल साफ सफाई चीज़ें जगह पे होना चाहिए। कभी कभी जो है ना ये त्यौहार के टाइम या कोई अच्छे से फेस्टिवल, फेस्टिवल के टाइम फेस्टिवल जब आते अरे जब ये कवर डाल देती हूँ। अच्छा कटन हटाते नहीं तुम लोग, ज़्यादा आते ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ ना बिल्ली बहुत आती है, बिल्ली की वजह से पूरा जो है ना खिड़कियों को दिन भर दरवाजे को लगा के रखना पड़ता है, बिल्ली बहुत आती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से जो है ना सोफे के कवर वगैरह झटक लूंगी। इनका ना एक पैंट शर्ट प्रेस करने का था रिजा के पापा का, एक पैंट शर्ट कितनी देर में मुजम्मिल रिजा ने दोनों ने बोले हम लोग कर देते हैं, मगर दोनों को जाने की गड़बड़ थी और ये चले गए नहाने। और आप सोचेंगे कि पहले से नहीं करके रखते या पहले से तैयारी करके रखना होता है, तो मेरे को ना जैसा अच्छा लगता है तबीयत को देखते हुए वैसा वैसा मैं करती हूँ। रात में थोड़ा सा पैरों में दर्द था, अभी भी है, मगर थोड़ा थोड़ा जैसा मेरे से होता है बिल्कुल नहीं रोकते, बस उनको काम ही करना रहता है पूरे टाइम। स्प्रिंग लगे है, रिजा बोलते स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग थोड़े खराब हो गए है। यहाँ पे एक पैंट शर्ट हुआ है आधे घंटे में, मतलब मैं आधे घंटे में थोड़ी थोड़ी देर में आके थोड़ा थोड़ा कर लूंगी। अभी रिजा अपना कर लेंगे प्रेस और मुजम्मिल भी कर लेंगे अपने कपड़ों को, लो मुजम्मिल तुम्हारी टी शर्ट प्रेस कर। हाँ हाँ ठीक है चलो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुजम्मिल के लिए साबुत दाने का बड़ा बड़ा, यहाँ पे मुजम्मिल के लिए बन रहा है साबुत दाने का बड़ा। और आपको मैं बता दूँ महाराष्ट्रियन टेस्ट में मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी जैसा कि बाहर मिलता है। यह है भिगा हुआ साबुत दाना, 5 से 6 घंटे भिगा दें, अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पे क्रश किया हुआ सेंगदाना है, कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है, और ये जो पेस्ट है ये अदरक हरी मिर्च और साबित वाला जो धनिया होता है ना खड़ा धनिया अक्खा धनिया वो है। इसमें है आलू, एक आलू इसलिए लिया कि एक कटोरी साबुदाना लिया था मैंने एक बड़ी कटोरी, और थोड़ा सी ही बना रही हूँ मुजम्मिल के टिफिन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उत्तपम मुजम्मिल ने जो डोसा चीला जो भी मैंने बनाया था ये मुजम्मिल ने खा लिए, तो वो डोसा ले जाने के लिए तैयार थे, मगर मैंने कल से मुजम्मिल को बोल के रखा था कि मुजम्मिल तुम्हारा फेवरेट जो है ना साबुत दाने का वड़ा बनने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा मुजम्मिल को टिफिन में मैं यही दे दूँ। रिजा नहीं खाते हैं साबुत दाने के वड़े और इनके पापा भी नहीं खाते हैं, तो ये मैं खाती हूँ और ये खाते हैं मुजम्मिल। इसमें है अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुत टेस्टी होते हैं ना, तो ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बिल्कुल महाराष्ट्रियन टेस्ट जैसे बाहर रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो वाले होते हैं। तो अभी इसे मिक्स करते हैं और फिर करते हैं टिकिया बना के इसकी फ्राई। यहाँ पे गया सॉल्ट, और जो कल की चटनी थी ना नारियल की जो मैंने सुबह रिजा को टिफिन में दी, तो नारियल की चटनी के साथ मुजम्मिल को रिजा को मेरे को सबको ही घर में नारियल की जो मैं चटनी बनाती हूँ वो बहुत पसंद है। जो फरा है ना मेरी छोटी वाली बहन, उसको उसके बच्चों को भी बहुत पसंद है, सबको पसंद है। तो यहाँ पे देख लिए, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ले रही हूँ। इसके पहले मैंने रेसिपी वैसे ऑलरेडी डाली हूँ, तो हरी वाली चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, सॉस पसंद है आपको उसके साथ भी खा सकते हैं। तो मुजम्मिल खाने वाले हैं नारियल की चटनी के साथ। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जो है ना साबुदाने का वड़ा अच्छे से फ्राई हो गया, हल्का हल्का व्हाइट दिख रहा है, वो व्हाइट नहीं है, बहुत अच्छे से पका है, गोल्डन हो गया, इसमें हल्दी नहीं है ना तो इसलिए इसका कलर ऐसा दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा। अगर आपके घर में साबुदाना है तो अभी जाइए, अभी भिगाइए, अभी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी, थोड़े से स्टाइल बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी। गरम है रख दो ठीक है। ये बन के तैयार हो गए, ये गए मुजम्मिल के टिफिन में, थोड़ा सा टिफिन को खुला रखेंगे, बस चार ही बोलते ना तुम, टिफिन को खुला रखेंगे तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसमें और यहाँ पे चटनी है, तो ये चटनी के साथ जो है ना ये खाने वाले हैं हमारे मुजम्मिल भाई, इनको बहुत पसंद है चटनी। हो गई बस ठीक है, तो ये मुजम्मिल का हो गया टिफिन तैयार, बॉटल भर देती हूँ मैं। हाँ मुजम्मिल हाँ, ये जीन्स खंगालना है धोना है? नहीं ये रख दो, आप जल्दी बाजी को बुलाता नहीं तो तबीयत ठीक हुई तो। कुछ नहीं कर रही, ये जो साफ साफ कपड़े है ना एक एक बार पहनने में कैसे दिए, वो खंगालने के है क्या ये पूछ रही? नहीं नहीं मेरे जीन्स नहीं धोना है। यहाँ पर ना मैंने सारे काम करने के बाद फिर कुरान शरीफ पढ़ लिया, और बड़ा दिल को सुकून लगता है पढ़ने के बाद, और कुछ दिनों से मेरा गैप भी हो गया था,
जो बात हकीकत है वही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो गैप हो गया मेरा। और मैं आपको ये बता दूँ कि दो दिन में अचानक ही मेरी तबीयत कैसी ठीक हो गई, दो दिन में अचानक ही मैं कैसे खड़े हो गई, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो डॉक्टर के पास से दवा लई हूँ, डॉक्टर बी के खुराना, सदर में जो हल्दीराम है उसके बिल्कुल अपोजिट में है, सामने में बी के खुराना। तो मैं नंबर डाल दूँगी सर का, सुबह में मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में अपॉइंटमेंट लेना होता है, नंबर लगाना होता है। सर का टाइमिंग है 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और बहुत शिफा हुआ, मुझे बहुत शिफा हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। पहले जो डॉक्टर के पास गए थे वो भी अच्छे थे, बट जैसा मुझे आराम होना था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो हमने डॉक्टर चेंज कर दिया। और खुराना सर के पास मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं गई क्योंकि सीढ़ी वाला क्लिनिक है उनका, तो सीढ़ियाँ चढ़ना मुमकिन ही नहीं था। तो देखिए इस तरह से जब मैं फ्री हुई ना, तो अभी काफ़ी दिन बाद मैं अपना जो मेरा ऑनलाइन क्लॉथिंग वर्क है वो मैं करने बैठी हूँ, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में जो है ना रिजम उजमिल ही चला रहे थे मेरा ये ऑनलाइन वर्क। तो बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सब कामों में भी सब कर लेते हैं, वो कॉल पे बात कर लेते हैं। और कस्टमर भी मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे कॉपरेट भी कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत कॉपरेट कर रहे थे, पार्सल आगे पीछे हो रहे थे, तो उनको पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोगों ने भी मेरी बहुत हेल्प किया। तो आज जो है ना मैं काफ़ी दिन के बाद अपना फ़ोन लेके बैठी हूँ अपना काम करने के लिए, तो ऐसा होता है ऑनलाइन क्लॉथिंग। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए कॉलेज, मुजम्मिल का और रिजा का आज कॉलेज का टाइम अलग अलग था। रिजा का जो है ना सुबह का था 8:30 का, और मुजम्मिल का कॉलेज का टाइम था आज दोपहर में 2 बजे का। तो देखते हैं अब शाम में बच्चे आएंगे, शाम के लिए क्या करना है वो तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं। और बस मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दुआ करिए एक दूसरे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।